हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम। जो हमारा दाहिना हाथ होता है, राइट हैंड, उसमें जो हथेली को हम अगर फैलाते हैं तो वो नियम क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो दाहिने हाथ की हथेली का नियम फर्स्ट है, तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान ले कि आपका जो दाहिना बाहिना हाथ है उसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो जिसमें क्या हो, डी की आकृति बने वो आपका दाहिना हाथ, जिसमें बी की आकृति बने वो आपका बाया हाथ। ठीक, कंफ्यूजन दूर। अब आते हैं कि होता क्या है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ को यानी अपने राइट हैंड को यानी हम अपने दाहिने हाथ या राइट हैंड को इस प्रकार फैलाएं, किस प्रकार फैलाएं कि जो हमारे हमारा जो अंगूठा है, जिस तरह की ये फिगर में है ना, अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि जो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा है वो धारा की दिशा, जो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा है वो किस दिशा में हो, धारा की दिशा में हो, और जो हमारी हाथ की उंगलियां है, दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे। जो भाई लंबवत है, इन उंगलियों के क्या है, अंगूठा कैसा है, लंबवत, यानी कि आप कह सकते हैं कि अंगूठा लंबवत दिशा में हो तो वो कैसी दिशा को व्यक्त करेगा, धारा की दिशा को, और जो फैली हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। हम यदि अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि जो हमारा अंगूठा है, इन उंगलियों के भाई लंबवत होता है, तो अंगूठा आपकी धारा की दिशा को और जो फैली हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करेंगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करती है। तो चलिए फिगर से समझते हैं। जैसा कि हमने फिगर बनाया तो इसमें क्या है, एक दाहिना हाथ है, एक दाहिना हाथ है जिसकी जो फैली हुई उंगलियां हैं, और अंगूठा कैसा है, ठीक, इसके लंबवत। तो क्या बताया जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो अगर हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है वो धारा आई की दिशा को, और जो फैली हुई उंगलियां हैं जो बिंदु पी से मिल रही हैं, वो किस तरह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। जैसे कि आपका कागज तल होता है ना, कागज तल के जैसे जहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रही हैं, जहाँ से उंगलियां हैं और अंगूठा, इनका जो मिलान बिंदु है, तो जैसे कागज तल के हम क्या करें, पेन को जैसे लंबवत रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, ठीक, इसके लंबवत, और इसी के लंबवत क्या है, धारा, यानी एक दूसरे के लंबवत दिशा में होती हैं। यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, देख सकते हैं आप दोनों कैसी है, 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही हैं, अंगूठा और उंगलियों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का कोण है। देख सकते हैं आप, हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे लग रहा है, जैसे ये मान लीजिए कागज तल है और इसके चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ठीक, लंबवत। यदि हमने अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं जैसे कि एक दूसरे के लंबवत हों, ये जो उंगलियां हैं फैली हुई और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, तब क्या होगा, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा और जो फैली हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। यही दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। ठीक है, डेफिनेशन, यदि आपको डेफिनेशन समझ में आई, ये फिगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।